गैजेट 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणय और आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। अब नॉर्मली तो यहाँ पे हम स्मार्टफोन वगैरह की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार, आपको कुछ और भी जानकारी दे देनी चाहिए। और ऐसी एक प्रॉब्लम हमारे सामने आई जिसका सोल्यूशन आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अब आप तो देखते होंगे कि हमारे चैनल में हम हिंदी भाषा का बहुत प्रयोग करते हैं, हमारे हेडलाइंस में आप देखेंगे, थंबनेल्स में देखेंगे, काफ़ी ज़रा हम हिंदी वाक्य यूज़ करते हैं और काफ़ी हिंदी में लिखते हैं वहाँ पर, देवनागरी लिपि में स्पेसिफिकली। अब इसमें लिखते समय क्या होता है, कभी कभी कुछ दिक्कतें सामने आ जाती है और आप में से कुछ लोगों ने भी यही चीज़ देखी होगी अगर आप हिंदी लैंग्वेज के साथ में काम करते हैं इंटरनेट पर। तो इसीलिए मैं सोचा चलिए आपके लिए एक अलग सा वीडियो बना ही दूँ ताकि आपको भी पता चल जाए जो प्रॉब्लम हमने फेस की है वो आप ना फेस करें और आपको आसानी से सोल्यूशन मिल जाए इसका। तो हमारा इशू ये था कि आप अभी स्क्रीन पर देख लीजिए, जब आप फोटोशॉप सॉफ्टवेयर में थंबनेल बनाने के लिए हिंदी का टेक्स्ट पेस्ट करते हैं, हम हिंदी में टाइप करके उसे पेस्ट करेंगे तो कहीं मात्रा अलग सी आती है, हलंत कहीं भी लग जाता है और ठीक से नहीं दिखता है वो टेक्स्ट जैसा आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इसको फिक्स कैसे करना है और आपकी स्क्रीन पर जो अभी सही वर्जन आया है उसकी तरह कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ये प्रोसेस काफ़ी आसान है लेकिन काफ़ी बार ढूंढना पड़ा था मुझे, बहुत देर तक मैंने गूगल पर रिसर्च किया कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है वगैरह वगैरह, और एक डेढ़ साल पहले से ही मैं देख रहा था कि यार हर बार ये चेंज हो जाता है, बार बार मैं जब फोटोशॉप को अपडेट करता हूँ फिर से सेटिंग कभी कभी चेंज हो जाती थी, इसीलिए बहुत सारी दिक्कत दी थी इसने। तो इसलिए सोचा चलिए आपके लिए सिंपल सोल्यूशन ये सामने लाया जाए। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे विनती करता हूँ कि चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम नए वीडियोज़ बनाते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं, आप चाहते हैं कि इस तरह के और अलग अलग टाइप के वीडियो हम बनाएं, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप इस टाइप के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं या नहीं, या सिर्फ हम स्मार्टफोन्स पे ही बने रहें और ज़्यादा आपको दूसरी जानकारी ना दें। मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहता हूँ तो वो ज़रूर कमेंट करके बताइए मुझे। तो सबसे पहले आप फोटोशॉप खोल लीजिए, उसके बाद में एक फोटो इंपोर्ट कर लीजिए या फिर एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दीजिए। तो अगर आप विंडोज पे हैं तो कंट्रोल के दबाइए, मैक पर है तो कमांड के दबाइए, और अगर आप मैन्युअली क्लिक करके वहां जाना चाहते हैं तो ऊपर एडिट जो मेनू होता है वहां क्लिक कीजिए और प्रेफरेंसेस पे क्लिक कीजिए। अभी जो विंडो आएगी सामने उसमें बाईं तरफ टाइप मेनू होगा, उस पर क्लिक कीजिए और वर्ल्ड रेडी लेआउट को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद में आप फोटोशॉप को बंद करके फिर से स्टार्ट कर लीजिए और उसके बाद में टाइप मेनू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर पैनल्स पे जाइए, फिर पैराग्राफ पे क्लिक कीजिए। पैराग्राफ मेनू खोलने के बाद में वहाँ पर ऊपरी दाएं हिस्से में एक आइकन है जिसको आप हैमबर्गर मेनू भी कह सकते हैं, अब उस पर क्लिक कीजिए और फिर वर्ल्ड रेडी लेआउट फिर से सिलेक्ट कीजिए। आखिरी स्टेप है, आप टाइप में जाके फिर से पैनल्स पे क्लिक कीजिए और वहाँ पर कैरेक्टर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप हिंदी भाषा को चुन लीजिए। बस फिर आप नया लेयर बना लीजिए फोटोशॉप में, कुछ टेक्स्ट टाइप कीजिए और हिंदी फॉन्ट्स आपके काफ़ी अच्छे से यहाँ पर दिख जाएंगे आपको। तो ये था एकदम सिंपल सोल्यूशन जिसने हमारी सारी हिंदी लिपि के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है फोटोशॉप में। तो जितने भी आप हमारे थंबनेल्स देखते हो उसमें जितना हिंदी टेक्स्ट है हमने यही मेथड यूज़ करके सॉल्व किया था, और इसीलिए सोचा चलिए आपको भी बता दें। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपके लिए चला या नहीं चला ये भी बता दीजिए कमेंट करके। और मैं आपको एक टिप्पणी दे रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आपके साथ में प्रॉब्लम हो रही है कि ये करने के बाद में भी नहीं चल रहा है तो एक बार आप अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट करके देख लीजिए, उसके बाद में ये प्रॉब्लम गारंटीड फिक्स हो जाएगी, यही हमने देखा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहते हैं तो hindi.gadgets360.com पे ज़रूर जाइए।